हाँ दोस्तों, क्या चले आपका। देखो आज करते हैं कुछ अंदर की बातें, गरम गरम अपडेट्स की बातें, साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सबका आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा आइकुमोटो एज 50 फ्यूजन को लेकर, ये फोन किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है। देखो मोटो एज 50 फ्यूजन जो है ना, ये ऐसा फोन रहेगा जहां पर आपको फ्लैगशिप फील देने की कोशिश की जाएगी मिड रेंज सेगमेंट पे। मेरे अकॉर्डिंग ये फोन आपको आप ये लगा लो 25,000 के आसपास देखने को मिलेगा, अंडर 25,000 ये आ सकता है। यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, 144Hz का रिफ्रेश रेट और साथ में POLED डिस्प्ले। बढ़िया होगा फोन, तो मुझे उम्मीद है कि तहलका मचाएगा ये सही प्राइस पे आ गया तो। अब मुझे देखना ये है जो Moto Edge 40 Neo है, इसकी प्राइसिंग कहाँ पर जाएगी, बिकॉज एक तो वो भी मार्केट में चल रहा है, ये भी आएगा और एज 50 प्रो भी पड़ा हुआ है। एज 50 प्रो और एज 40 नियो, इनके बीच में ये फ़ोन फिट होने वाला है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, अनुज भाई कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया। आप पूछ रहे हैं वन प्लस 13R को लेकर। देखो वन प्लस 13R को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो 12R आया था, 11R मार्केट में वैसे ही चल रहा है। बाकी आप 12R लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, बढ़िया फ़ोन है अपने प्राइस पे। अगर हाँ, और ये भी कह रहे हैं आप अभी जल्दी नहीं है तो वेट करोगे तो थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। आइकू Z9 टर्बो लॉन्च कब होने वाला है। देखो आइकू का ये मतलब आप ये लगा लो एक फ्लैगशिप क्लियर फोन होने वाला है, जो कि आएगा 8S Gen 3 के साथ। अब जैसे कि पोको F6 मैंने आपको बताया था ना आने वाला है, रेडमी टर्बो 3 करके फ़ोन है वो आएगा इंडिया में पोको F6 के नाम पे, और मेरी वीडियो आपको इसकी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मैं ये फ़ोन ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, इसकी एडिटिंग चल रही है, वीडियो आपको मैं दे दूंगा। अब फ़ोन बढ़िया है, इसकी पूरी टक्कर होने वाली है आइकू टर्बो के साथ। उम्मीद है आइकू टर्बो और ये दोनों ही आसपास की प्राइसिंग पे लॉन्च किए जाएंगे। अब मुझे देखना ये है, अब तक तो मुझे ये उम्मीद है कि जो पोको F6 है वो सबसे सस्ता 8S Gen 3 वाला फ़ोन बनेगा इंडियन मार्केट का। अब आइकू टर्बो कहाँ फिट होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा इसकी प्राइसिंग का। जहाँ तक इस फ़ोन की बात है, ये फ़ोन आपको नेक्स्ट मंथ लगा लो इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब आइकू पूरी तरह से एक्टिव है, बहुत जल्द आपको ये फ़ोन मिलेगा। ये वन प्लस नोट 3 25,000 में कैसा रहेगा। देखो अगर मैं 25,000 देखता हूँ ना नोट 3 के लिए, मज़ा नहीं आएगा। मतलब छोटे छोटे काम पे ही फ़ोन लैग करते हैं, माना कि प्रोसेसर तगड़ा है लेकिन फिर भी वो ढंग से फ़ोन को नहीं संभाल पा रहा। इससे बेटर है आप नोट 3 फोन ले लो, यूज़ करने का एक्सपीरियंस आपको लॉन्ग टर्म में भी बेटर होगा उस फ़ोन के साथ। मोटो G85 कब आएगा और उसमें क्या क्या होगा। देखो मोटो G85 को आने में भी टाइम है, अभी इसको लेकर कोई भी चर्चा शुरू नहीं हुई है। और जहाँ तक बात है उसमें क्या क्या होगा, मेन तो प्रोसेसर है जो मेरे अकॉर्डिंग उसमें 6Gen 1 आपको देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो 6Gen 1 आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और पहले कहीं लीक भी आए थे मोटोरोला के डिवाइस में ये प्रोसेसर आएगा। उस टाइम हम सबको लगा था मोटो एज 50 फ्यूजन वो फ़ोन हो सकता है, बट ऐसा नहीं था। तो ऐसे में आप वेट कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है वही आपको मिलेगा। और बाकी तो POLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट सब कुछ आपको मिलेगा ही टॉप क्लास का। एक मिनट मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपके बाकी के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, हम ढूंढते रहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जरूरत हमें बहुत बार पड़ती है, चाहे हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है या हम किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, जहाँ पे फेस कैम भी रहेगा, प्रेजेंटेशन भी दे पाएंगे, काफी सारे सिनेरियो हैं जहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है। अगर मैं वंडरशेयर डेमो क्रिएटर की बात करता हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइक के प्रो कर सकते हैं। अब देखो रिकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए नीचे आपको ये सारे टूल मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं कौन सा मोड आपको चूज करना है, स्क्रीन है, स्क्रीन प्लस, कैमरा, वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आप स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर पाएंगे, किस साइज में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, फुल स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कैमरा पे आता हूँ तो ये कैमरा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कैमरा ऑन कर दो, कॉर्नर पे आपकी इमेज बनी आ जाएगी जो आपने वेबकैम लगा रखा है। ये आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कोई क्लास ले रहे हो आप, तो ऐसे में इस चीज़ का बहुत बेनिफिट आपको होगा, आपका फेस कैम चलता रहेगा, स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग साथ में चलती रहेगी। अगर मैं इसको देखता हूँ ना, कस्टमाइज आप कर पाएंगे, स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर AI रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आपकी पिक्चर की बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देनी है तो कैसे ये काम करेगा। आपको यहाँ से चूज करना है वीडियो प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आप ऐड कर लो जो भी आपके पास प्रेजेंटेशन है, PPT फाइल है, पावर पॉइंट है। मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि पेंटून यहाँ पर इनबिल्ट दे रखा है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कलर वगैरह, और आप इसी प्रेजेंटेशन के अंदर इसी शीट में मार्क कर पाएंगे कुछ आप समझा रहे हैं तो, हाईलाइट कर पाएंगे, सब कुछ ऑप्शन आपको इसी में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर 4K 8K तक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पर।
और यहाँ पर शेड्यूल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। आप शेड्यूल करके रख लो कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, अपने आप ये सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। और रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिट का ऑप्शन भी इसी के अंदर ही है। आपने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, अब यहाँ पर एडिटिंग आप कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की। फाइल कट करना है, मर्ज करना है, इफेक्ट लगाना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा, एक बार आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे सॉफ्टवेयर काफी अच्छा लगा। लॉन्ग टाइम यूज में ब्लॉटवेयर फोन स्लो कर देता है क्या? जी हाँ, अगर आप फोन को लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो कस्टम यूआई वाले फोन ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। लॉन्ग टाइम यूज के लिए मोटोरोला के डिवाइस या वन प्लस के डिवाइस देख लो आप, या फिर पिक्सल देख लो, उनका भी यूआई काफ़ी सही रहता है। आजकल थोड़ी दिक्कत रहती है उनके प्रोसेसर में, पर यूआई बढ़िया रहता है उनका भी। नथिंग देख लो, इनके जो यूआई है ना वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। मैं अगर MIUI, Realme UI, Funtouch OS या और कलर OS इन सबसे कंपैरिजन करता हूं तो सैमसंग A34 का कैमरा कंपैरिजन अगर अंडर 20,000 वाले फ़ोन से किया जाए तो क्या होगा? देखो यार, सैमसंग A34 का कैमरा ना मुझे वैसे ही पसंद नहीं आया था उतना, जैसे सैमसंग के वैसे कैमराज होते हैं ना, उस लेवल का ये परफॉर्म नहीं करता था। और आजकल तो आपको पता ही है 20-22 में अच्छे कैमरा फ़ोन हमें देखने को मिल जाते हैं, सैमसंग का ही मिल जाएगा आपको। बल्कि सैमसंग का जो पुराना फ़ोन है ना M34, उसका कैमरा अच्छा है, या फिर F54 आप देख लो, उसके कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो नए फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो A35 हो, M55 हो, इनका कैमरा उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। भाई प्लीज़ रिप्लाई, जी हाँ लो कर दिया आपका रिप्लाई। मोटो H50 फ्यूजन में डॉल्बी एटमॉस हाई रेज ऑडियो होगा, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा इस फ़ोन का? देखो जी हाँ, डॉल्बी एटमॉस तो होगा इसमें, और जो एग्जैक्ट प्राइस है ना इस फ़ोन का, मैं अभी 100% तो आपको नहीं बता सकता। मैंने आपको हिंट दे दी है, मोटो एज 50 प्रो, मोटो एज 40 नियो, इनके बीच में कहीं ना कहीं इस फ़ोन को फिट किया जाएगा। 25,000 के 26,000 के आसपास की रेंज में ये इंडिया में 10 तक दे सकता है। मोटो एज 50 प्रो में अपडेट्स आते हैं, लेकिन मैंने लिए अपडेट नहीं आए। देखो अपडेट देगा ब्रांड, लेकिन ये भी थोड़ा ना अभी स्लो है अपडेट के मामले में। अगर मैं कोई कमी बताऊँ ना आपको मोटोरोला की, वो यही है, अपडेट वो देता तो है लेकिन थोड़ा स्लो देता है। बाकी देखते हैं अब आगे जो नए फोन आ रहे हैं उनके साथ क्या होता है, फिलहाल तो स्लो ही है। रियलमी GT60 इंडिया में कब लॉन्च होगा? जल्दी आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिलेगा। अब इंडिया में भी जो रियलमी है वो फ्लैगशिप किलर पे काम कर रहा है, अच्छे अच्छे फ़ोन आपको मिलेंगे, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे, 8S Gen 3 से लेकर और भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, Vivo T3 Pro कब तक आ सकता है? देखो T3 तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अभी आपको पता है जो इन्होंने नवा नाम है वो चेंज किया है, जो पहले प्रो था वो अब नॉर्मल बना दिया इन्होंने। वो जो T3 मिल रहा है वो आपको मिल रहा है डेमरी 7200 के साथ। अब जो T3 Pro आएगा ना, वहाँ पर तो कुछ अलग से ही आपको देखने को मिलेगा। अभी पेंडिंग है IQ Z9 Pro और Vivo T3 Pro, ये दोनों आपको कुछ टाइम तक देखने को मिल जाएंगे। माई डैड गिफ्टेड मी सैमसंग S23 FE, हाउ शुड आई कंट्रोल इट्स हीट? यार गरम तो फ़ोन होता है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने इस फ़ोन पे वीडियो की थी क्या इसे 34,000 में बाय करना चाहिए। वहाँ पर मैंने एक सब बताया था आपको हीटिंग के बारे में। लेकिन अभी क्या है ना, काफ़ी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसे में उनको पता नहीं चलता कि वीडियो चैनल पर आ चुकी है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो चेक कर लेना। इसकी हीटिंग को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, आपको अपडेट का वेट करना पड़ेगा, तभी मैंने आपको मना किया था ये फ़ोन बाय करने से। इसमें जो एक्सिनोस का प्रोसेसर दे रखा है ना, वो उतना सेटल नहीं है प्रोसेसर, काफ़ी हीट वो जनरेट करता है कैमरा के टाइम पे, नॉर्मल यूज़ के टाइम पे। फिलहाल तो आप ये काम कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन हो रही हैं उनको स्टॉप कर दो जो आपको नहीं चाहिए, और चेक करो कौन सी ऐप से फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है। नॉर्मल यूज़ में भी हीट हो रहा है तो आप बात करके रिप्लेसमेंट लो या रिफंड लो अपना, फ्लिपकार्ट पे बात करके बताओ नहीं ये कमी आ रही है। Note C4 BBDA में 256 GB वाला कितने तक मिल सकता है? 20,000 से 25,000 के बीच में तो मिलता ही है आपको, 23,000 तक मिल जाता है इसका बेस मॉडल। फिर आपको जो इसका 256 GB वाला है ना, वो भी 25 के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा BBDA सेल में। मुझे उम्मीद है 22-23,000 का देखने को मिल सकता है। सर मैंने अक्टूबर में परचेज किया F14, बट उसमें रिस्टार्ट की वजह से मुझे वाउचर मिला है। मतलब अब ये काम हो रहा है कि अगर फ़ोन में गड़बड़ हो रही है तो वाउचर दिया जा रहा है, एक सैमसंग का कोई और फ़ोन बाय कर लो। अब आप पूछ रहे हैं मैं सैमसंग का कौन सा फ़ोन बाय करूं 15,000 में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए? आप उठा लो सैमसंग गलेक्सी M34, लॉन्ग टर्म तो क्या मतलब नॉर्मल यूज़ में ये फ़ोन बढ़िया चलेगा। बाकी मैं सही बताऊँ तो 15,000 में ना अभी सैमसंग का अगर मैं देखता हूँ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फ़ोन नहीं है जो मैं कह दूँ आके बंद करके बाय कर लो, आपको बिल्कुल लंबे टाइम तक साथ दे देगा ये
M34 इस टाइम पे एक अच्छा फोन है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अभी जो आया था ना F15 या M15, वो भी बढ़िया स्मार्टफोन्स हैं, उनमें भी आप देख लो इन्वेस्ट कर सकते हो आप, दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया फोन है वो भी। हाँ, नॉर्मल यूज़ में, कैजुअल गेमिंग में ये बात ध्यान रखना, हैवी यूज़ करोगे तब ये फ़ोन नहीं बने हुए हैं, यह बात आप देख के चलना। ओनर 90 या 20K वर्थ और नोट, जी हाँ यार, अगर मैं 20K में देख रहा हूँ ना, 7th Gen 1 इस फोन में है और कैमरा क्वालिटी बढ़िया है फोन की, इंडिया एनफील्ड बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास की है, 20,000 में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। भाई मैंने लावा अग्नि 2 लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, 18,000 में इसका सॉफ्टवेयर बहुत बगी है, डार्क सीन में ब्लैक क्रश इशू, मैंने रिप्लेसमेंट कराया है फिर भी ठीक नहीं हुआ, अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा आपको, और कोई वो नहीं है। बाकी लावा अग्नि 2 में लावा का भी यही दिक्कत है, अपडेट के मामले में ये बहुत स्लो है स्मार्टफोन। पता नहीं यार इंडियन ब्रांड कब वहाँ तक पहुँचेंगे कि हम आंखें बंद करके कह सकें कि जी हाँ ये ले लो, लॉन्ग टर्म तक ये फ़ोन आपका साथ देंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। सर मुझे एक फ़ोन एक हफ्ते के अंदर चाहिए, प्रायोरिटी है गुड कैमरा डिस्प्ले लुक्स, बजट 18,000, वीवो T3 उठा लो, सब मिल जाएगा आपको, बढ़िया है। हाँ कैमरा यार मैं कहूँगा अगर आप 18,000 का फ़ोन ले रहे हैं ना, उतना स्ट्रॉन्ग तो ना नहीं आपको मिलेगा, बट अच्छा कैमरा है फ़ोन का ये मैं कह सकता हूँ, वीवो T3 आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, यहाँ पर ये बात क्लियर होती जा रही है, जो नए फ़ोन आ रहे हैं आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, फ्लैगशिप फ़ोन सस्ते में मिलने वाले हैं, 8th Gen 3 आपको 25 के बीच में मिल जाएगा, आईक्यू की तरफ से भी, पोको की तरफ से भी, रियलमी भी अपना फ्लैगशिप इंडिया में लॉन्च करने वाला है, OnePlus Note 4 भी इंडिया में आ जाएगा 7th Gen 3 के साथ, वो भी 30,000 के आसपास की रेंज में। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपके हिसाब से किस फ़ोन का इंडिया में आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं, फ्लैगशिप किलर का। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से, हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।